गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वापस आज आप लोग नई वीडियो लेके, और जैसा कि तुम्हें मालूम है एक नया रोल आया है कुपिड, और इसका काम है प्रेम के बाण चलाना और दो लोगों को लवर बनाना। कोई ये बताओ कि जब लवर मोड था सुपर सस में तो ऑल रोल में लवर डालने की ज़रूरत क्या थी। ठीक है वो भी, मगर नया रोल आने के बाद भी दूसरों पे छिलके डाल रहा हूँ, वो भी केले के, ना जाने क्या है मेरे को। और मैंने सोचा कि मैं ब्लू को बनाऊँ, लेकिन गलती से सियान मेरे से मैं लवर बन गया। और इसके साथ मेरे को ये पता चला कि ये बंदा कॉन्जुरर है, मतलब तुक्के तुक्के में देख रहे हो मेरा तुक्का कितना सही बैठा। और किसी को ये पता नहीं चला कि किल सियान ने किया है, ना कि रेड ने, और सबके सब ने रेड को वोट आउट करा दिया। एंड मेरे को तो ब्लू पे वैसे भी मन था कि मैं उसी को मिनियन बनाऊं। क्या बोला तूने? मतलब लवर बना लिया। और मैंने ब्लू को लवर बनाने के बाद थोड़े बहुत वाहियात से कांड, मतलब इस ब्राउन पे मैंने एक बार छिलका क्या डाला, ये बंदा तो मेरे पीछे ही पड़ गया। लेकिन इसको क्या लगता है, ये बच जाएगा? मैं ही इसको, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहा है। और उसको गिराने के बाद तो मीटिंग ही आ गई, और मीटिंग आई तो मेरे को पता चला कि अपना ब्लू और कोई नहीं स्वैपर है, मतलब देख रहे हो तुक्का कितना अच्छा बैठा है। लेकिन जब इसने मीटिंग बुलाई थी मैं डर जरूर गया था, क्योंकि इससे पहले दो तीन बार ऐसा हुआ कि मैंने जिसको बनाया उसने मेरे ही को निकलवा दिया। मतलब हादसे होते रहते हैं, खुद के नाम के कलर चेंज किया हो जाते हैं, ये लोग मेरे खिलाफ हो जाते हैं। और अगली मीटिंग भी आ गई और इसमें हमने पिंक को निकाल दिया, मतलब अपने ओपी स्वैपर की मदद से। और हाँ, जो पिछली बार इम्पोस्टर निकला उसको निकलवाने वाला सियान ही था, क्योंकि सियान को ये पता था जो मेरे को नहीं पता था कि जब तक वो अपने पार्टनर को नहीं निकलवाता तब तक वो हमारे साथ नहीं जीत सकता। और उसने निकाला और मैं स्वैपर और कॉन्जुरर के साथ जीती। मतलब प्रोनेस मेरी देख रहे हो नहीं थे, माना मैं बकवास ही है ये, लेकिन हाँ ठीक है। और मैं वापस से वही बन चुका हूँ। एंड इस बार मेरा तुक्का वाहियात कैसे होता है वो देखना। पहली बात कि जो इम्पोस्टर है वो पहले लाइट का सैबो देता है, लेकिन कुछ कुछ नूबड़े लोग होते हैं जो पहले रिएक्टर बजाते हैं। तो इस बार भी वैसे ही किसी बंदे से हमारा पाला पड़ा था और हम लोग गए थे फिक्स करने, तो मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पे कोई यहाँ ही नहीं रहा है, आया भी तो सिर्फ ऑरेंज। और मैंने सोचा कि रेड को बना लेता हूँ, और रेड के साथ मैं एक और कोई बंदा था, मेरे को उसका नाम नहीं याद नहीं, लेकिन मैं सोचा उसको बना लेता हूँ। तो पहले मैं रेड को बनाया, एंड रेड को बनाने के बाद मेरे को लगा वो सेफ होगा। और मीटिंग आ रही है तो पता चलता है ये बंदा सबसे छुप के इम्पोस्टर बना हुआ है, मतलब इम्पोस्टर किसी के सामने तो होता नहीं है, लेकिन हाँ ये इम्पोस्टर था। और मेरे को एक और चीज़ मालूम चली कि अगर हम लोगों ने किसी एक बंदे को बनाया हुआ है और अगर वो मर जाता है तो हम लोग दोबारा से दो बंदों को बना सकते हैं, और अगर दो बंदों को बना लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर एक मरेगा तो दूसरा मर जाएगा, तो ये कोई काम का नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो दो बंदे मर जाते हैं और तुम जिंदा हो और सभी स्पेस क्रू सभी इम्पोस्टर को निकलवा दिया है तो उनको लेके तुम जीत सकते हो, मगर ऐसा चांसेस ज्यादा है नहीं, लेकिन ट्राई करना तुम लोग को लवर बना दो, ठीक है? वाइट को लवर बना दो। दोबारा से मीटिंग बुलाई और तुमने सुन लिया कि ब्राउन ने क्या बोला है कि किसको बनाना है, तो मैंने भी बोल दिया ठीक है भाई। लेकिन उसने ना जाने क्यों सबके सामने बोल रहा है कि इसको बना लेना साथ में मेरे, कितने ही नूबड़े लोग होते हैं। और मैंने भी सोचा ठीक है भाई, वाइट को बोला है तो नहीं बनाऊंगा तो मेरी लंका लगेगी, क्योंकि ये बंदा तो मेरे को वोट आउट करा देगा, इसीलिए मैंने उससे को निकलवा दिया। और फिर से बहुत ज़्यादा बकवास होने के बाद मैंने सारी चीज़ें देख के वापस से मीटिंग बुला ली। मैंने नहीं बुलाई, मेरे सो कॉल्ड मिनियन ने बुलाई, और हम लोगों ने मिल के फालतू में घाउल को निकलवा दिया। मतलब घाउल वैसे भी कुछ उखाड़ नहीं लेता गेम में, लेकिन तब भी हमने उसे निकलवा दिया। और एक इम्पोस्टर और था तो हमने सोचा था कि अगर
अगर हम लोगों ने किसी गलत बंदे को निकाला और इम्पोस्टर सैबो दे दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो हम लोगों ने सोचा कि सोच समझ के निकालेंगे। और शायद तुम भूल रहे हो, अभी तक अपने गेम का नोबरा वाइट जैक ने कुछ किया कैसे नहीं। वाइट जैक तो हर गेम में होगा, वरना तो मेरा गेम प्ले कंप्लीट ही नहीं होगा। तो वाइट जैक ने अपने कारनामे दिखा दिए और बचा हमारे पास सिर्फ पर्पल। तुम लोगों ने पर्पल को निकाल के जीत हासिल कर ली। और हाँ, मेरे को एक चीज़ और मालूम पड़ा कि अगर हम लोग सिर्फ स्पेस क्रू को बनाते हैं तो हम लोग स्पेस क्रू फैक्शन के साथ जीतेंगे, जो कि हुआ भी ये। तो तुम लोग ट्राई करो कि सिर्फ स्पेस क्रू को बनाओ ताकि कोई तुमको निकाल लेना। एंड बाय बाय। और तुम्हें मालूम है कि हमें कैसे भी करके जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर करना है, तो करवा देना। एंड बाय बाय।